वैसे औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के सबसे कठोर शासक के रूप में जाना जाता था, मगर इस शहंशाह को भी कभी पहली नजर में ही प्यार हो गया था, वह भी ऐसा जिसे वह ताउम्र नहीं भूल सका। बात सन 1636 की है, जब औरंगजेब मुगल राजकुमार था और उसे दक्कन का गवर्नर बनाकर बुरहानपुर भेजा गया। बुरहानपुर के एक कोठे पर पैदा हुई थी बादशाह औरंगजेब की वह जानसी, जिसने उन्हें फर्ज से भी पेपरवान बना दिया था। जिस तरह औरंगजेब के बनने के लिए उसने अपनों के तिरस्कार ज्यादा जिम्मेदार हैं, उसी तरह उसकी महबूबा ने भी जमाने की दुत्कारों के बीच परवरिश पाई थी। बचपन में ही यतीम होने के चलते वो बोली मौसी अख्तर बाई ने उसका लालन पालन किया और ऐसा किया कि उसके चाहने वालों में बादशाह से लेकर भिखारी तक शरीक थे। उसका नाम हीराबाई था। शेख अल्हर जवानी की स्वामिनी तो वह थी ही, इस रूप के साथ और संगीत की स्वर लहरियों से खेलने का गुर उसे अव्वल बनाता था। जिसने उसे देखा उसका होकर रह गया। हिंदी कथा साहित्य किताब में मध्यकालीन भारत में दोनों की प्रेम कहानियों का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे औरंगजेब और हीराबाई के प्यार की पूरी दास्तां। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हीराबाई की शोहरत से खुद बादशाह शाहजहां भी अनजान नहीं थे, क्योंकि उन्हें इल्म था कि उनका दूसरा बड़ा बेटा औरंगजेब पक्का नमाजी है और वह औरतों तथा शराब से दूर रहने वाला है, इसलिए दक्कन के गवर्नर के रूप में उसकी तैनाती की। मगर उसे क्या पता था कि उसका यह नमाजी बेटा एक रकासा की जुल्फों में गिरफ्तार हो जाएगा। जिस दिन औरंगजेब हीराबाई से मिलने जाने वाला था, वह दिन हीराबाई ने अपना रूप ऐसे संवारा था कि वह रति को भी मार देता था। हीराबाई की उम्र अभी 20 साल से ज्यादा नहीं होगी। आज औरंगजेब उससे मिलने जाने वाला है, लेकिन यह हीराबाई को पता नहीं है। हीराबाई सिर से पैर तक बेशकीमती जड़ाऊ गहनों से सुसज्जित खिड़की से बाहर देख रही थी और उसकी उंगलियां सितार के तारों से खेल रही थी। उसका मद्रस्वर खरबूजा महल से व्याप्त हो रहा था। शहजादा औरंगजेब खामोशी से हल्के पैरों से खरबूजा महल पहुंचा और वहां तैनात बंदियों को हट जाने के लिए कहा। सारी बंदियां खरबूजा महल से बाहर चली गई। हीराबाई ने अचानक अपना चेहरा खिड़की की ओर से हटाकर कमरे की तरफ फेरा तो देखा कि सामने कोई शहजादा खड़ा है, मगर दूसरे ही पल शहजादा किसी कटे पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। हीराबाई सहम गई कि यह क्या हुआ, मगर जल्द ही उसे पता चला कि शहजादे का इंतकाल नहीं बल्कि वह सिर्फ बेहोश हुआ है। जब औरंगजेब ने बेहोशी से निकलकर अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसका सिर हीराबाई की गोद में है। बस क्या था, मर मिटा औरंगजेब हीराबाई के प्यार पर। हीराबाई ने पहली ही मुलाकात में औरंगजेब पर अपने हुस्न का मगदाता जलवा और जवानी का ऐसा जादू फेरा कि वह फिर किसी और का हो न सका। हीराबाई से मिलकर औरंगजेब अपने महल में लौट तो जरूर आया, लेकिन अपना दिल हीराबाई के खरबूजा महल में ही छोड़ आया। अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता। दिन रात हीराबाई के साथ रहने की चाहत रखने लगा, मगर यह आसान न था, क्योंकि हीराबाई दक्कन के हाकिम और खुद बादशाह शाहजहां के सगे साड़ू सैफ खान की रखेल थी। हीराबाई के बिना वह नहीं रह सकता था। उसके लिए उसने ना जाने कितनों से पैर ठानी थी। औरंगजेब ने अपनी मौसी मलिका बानो से अपने दिल की बात कही और साफ साफ बता दिया कि वह हीराबाई को किसी भी कीमत पर अपना बनाना चाहता है। सैफ खान यह सुनकर आग बबूला हो उठा, लेकिन शाही खौफ के चलते गुस्से को पीकर रह गया। अंत में औरंगजेब के हाथों वह हीराबाई को सौंपने को तैयार हो गया, लेकिन यह सोचकर बदले में औरंगजेब से सबसे दुलारी रखेल छत्रबाई की मांग कर डाली कि शायद औरंगजेब इस बात को नहीं मानेगा। मगर उसे आश्चर्य हुआ जब औरंगजेब ने उसकी यह मांग मान ली और हीराबाई के बदले छत्रबाई को सैफ खान के हवाले कर दिया। अब हीराबाई बेगम जैनाबादी के नाम से जाने जाने लगी। जैनाबादी के प्यार में औरंगजेब अपना सुध-बुध खो बैठा। उसका हर पल जैनाबादी के हवाले था, उसकी हर सांस पर उसका अधिकार था। औरंगजेब जैनाबादी को अपने तमाम वजूद से प्यार करता था। एक दिन औरंगजेब बेगम जैनाबादी को खुश होकर बता रहा था कि वह उसे हिंदुस्तान की मलिका बनाएगा, उसके लिए कुछ भी कुर्बान करेगा और वह जो मांगेगी उसे वह देगा। जैनाबादी ने अदा से पूछा कि क्या जो मैं मांगूंगी उसे आप देंगे। औरंगजेब ने हामी भरी। बेगम जैनाबादी ने अपनी अदाओं के बाकमन लाते हुए शराब का एक प्याला उठाया और कहा,
आज तक आपने हुस्न का जो जलवा देखा है वह आधा ही देखा है। सबाब तो पूरा तभी होता है जब शराब साथ हो। औरंगजेब ने बड़ी शालीनता से कहा कि वह तो पांचों वक्त नमाज पढ़ता है और शराब उसके लिए हराम है। हीराबाई ने खिलखिलाते हुए तंज कसा, अभी तो आप मुझे पूरा हिंदुस्तान दे रहे थे और दावा कर रहे थे कि मांग कर देखो जो भी मांगोगी मिलेगा, लेकिन आप तो मेरे लिए शराब को भी होठों से लगाना नहीं चाहते। औरंगजेब ने कहा कि अगर यह मेरे प्यार की परीक्षा है तो लाओ मैं शराब पीऊंगा। हीराबाई ने शराब का प्याला औरंगजेब के हाथ में थमा दिया। औरंगजेब ने अभी जाम को होठों से लगाया ही था कि हीराबाई ने झटके से प्याला तोड़ डाला। औरंगजेब ने जब सबब जानना चाहा तो हीराबाई ने कहा कि वह तो सिर्फ यह देखना चाहती थी कि सहजादा मुझे कितना चाहते हैं। औरंगजेब हीराबाई की जवानी का जितना बड़ा कद्रदान था उससे ज्यादा वह उसकी संगीत की गहरी समझ और उसे स्वर में हूबहू उतार देने की काबिलियत पर फिदा था। कहते हैं कि हीराबाई उस समय की संगीत से संबंधित लगभग सारी पुस्तकें पढ़ चुकी थी। ऐसा हीरा पाकर औरंगजेब फूले नहीं समाता था तो क्या औरंगजेब को संगीत से प्यार था? निश्चित था। सिर्फ नीरा प्यार ही नहीं, भारतीय शास्त्रीय संगीत में वो परंपरागत भी था और स्वयं कई बात बजा सकता था। उसने कई गीतों की रचना भी की है। औरंगजेब का यह रूप लोगों की नजर से छिपा ही रहा। बहुधा उसे एक शुष्क व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जबकि वास्तव में यह संगीत और प्यार दोनों का पुजारी था। साम्राज्य और सियासत के तगाजों ने उसे वह बना डाला जो वह कभी नहीं था। बेगम जैनाबादी के प्यार का नशा उसके सिर पर इस कदर चढ़ गया कि वह राजकाज के कामों से भी लापरवाह हो चला। यह बात जब बादशाह सलामत शाह जहाँ को पता चली तो वह खासे रंज हुए और फरमान भेजा कि वह हीराबाई के आंचल से अपने को दूर रखे। इसी बीच जैनाबादी को किसी अनजान बीमारी ने तपोष लिया। वह दिन ब दिन कुम्बलाने लगी। औरंगजेब ने एक से एक नामी हकीमों को उसके इलाज में लगा दिया। पीरों पैगंबरों को हुजूर में जैनाबादी की जान की खैर के लिए सजदे किए जाने लगे, लेकिन सब बेकार, कुछ काम न आया और बेगम जैनाबादी जन्नत नसी हो गई। औरंगजेब की दुनिया वीरान हो गई। अब पूरी कायनात उसे बेकार लगने लगी और उसने अपना ध्यान खुदा की बंदगी में लगा दिया। राजकाज से जो भी समय मिलता औरंगजेब धर्म कार्यों और धर्म चर्चा में बिताने लगा। हीराबाई औरंगजेब की जिंदगी में आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली गई। जिस तरह तूफान अपने पीछे वीरानी और बर्बादी का मंजर छोड़ जाता है, उसी तरह हीराबाई के जाने से औरंगजेब की जिंदगी भी वीरान हो गई। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल फैक्ट गर्ल खुशबू को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।